अस्सलाम वालेकुम आज दस्तर खास में बन रहा है पीली धुली हुई मूंग की दाल का हलवा तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ एक कप पीली दाल है मेरे पास जिसको मैंने पूरी रात के लिए भिगो दिया था और ये ग्राइंडर जार में डाल के मैंने छोटी वाली जो मिक्सी होती है हो उसमें इसको मैंने दानेदार सा पीस लिया है थ्री टेबल स्पून मेरे पास है यहाँ पर देसी घी इसके अंदर मैं दाल शामिल कर दूँगी और बिल्कुल हल्की आँच पर इसकी भुनाई करते रहेंगे हमें दानेदार हलवा चाहिए तो हमने थोड़ी सी दाल को मोटा मोटा रखा है बिल्कुल हल्की आंच पे हम इसकी भुनाई करते रहेंगे अब इसके अंदर शामिल करेंगे इलायची पाउडर वन टी स्पून और ये डाल के भी हम हल्की आंच पे भुनाई करते रहेंगे इसमें देसी घी जाएगा तकरीबन एक छोटी प्याली पूरी भर के मैं थोड़े थोड़े वक्फ़े से डाल डाल के दाल की भुनाई करती रहूँगी और दाल का टेक्स्चर आप देख सकते हैं कितना चेंज हो गया इसकी कितनी भुनाई हुई है तकरीबन मैंने चालीस मिनट इसकी भुनाई की है बिल्कुल हल्की आँच पर यहाँ पे मैंने शामिल किया है डेढ़ ग्लास दूध और यहाँ पे मैं शामिल करूँगी अब डेढ़ ग्लास पानी ताकि दाल पक जाए और कच्चापन दूर हो जाए एक कप चीनी शामिल की है मैंने इसके अंदर और हल्की आँच पे ये पक रहा है तकरीबन पंद्रह से बीस मिनट मैंने मज़ीद पकाया था हल्की आँच पर फूड कलर शामिल किया है ताकि हलवे का कलर बहुत अच्छा सा आ जाए पिंच मैंने यहाँ पे फूड कलर डाला है और इसको भी मिक्स करती रहूँगी और हलवा जो है वो हल्की आंच पे पक रहा है फोर टेबल स्पून यहाँ पे मैंने ड्राई मिल्क पाउडर डाला है इससे हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ड्राई मिल्क पाउडर डालने से आपकी जो भी चीज़ आप पका रहे होते हैं उसमें एक बहुत अच्छा सा क्रीमी सा टेस्ट आ जाता है अब इसके अंदर मैंने देसी घी शामिल किया है टू टेबल स्पून और ये देखें हमारा हलवा कितना ज़बरदस्त सा भून गया है अब मैं इसके अंदर बादाम और पिस्ते शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा अरके गुलाब मैंने इसके अंदर शामिल किया है और इसकी मैं मुसलसल भुनाई कर रही हूँ तकरीबन एक से सवा घंटा टोटल भुनाई हुई है पहले ड्राई डाल की हुई है और अब इस तरह से पकाया है तो ये इतना टाइम लगा है तो जाके इतना ज़बरदस्त सा ये हलवा तैयार होता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और बनाइएगा आपको ज़रूर पसंद आएगी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़